मेमन कृषि केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम धान में लगने वाले झुलसा रोग, जिसे हम सीड ब्लास्ट भी कहते हैं, सीड ब्लास्ट यह रोग धान में शुरुआती दिनों से धान पकने तक कभी भी लग सकते हैं। शुरुआती अवस्था में निचली पत्तियों पर हल्के बैंगनी रंग के छोटे छोटे धब्बे बनते हैं, जो धीरे धीरे बढ़कर आंख के समान बीच में व किनारों पर सकरे हो जाते हैं। इन धब्बों के बीच का रंग हल्के भूरे रंग का होता है। इन बीमारी की वजह से धान के दानों में दूध भरने में समस्या होती है। यह फंगस रात्रि में अधिक फैलते हैं। इसके नियंत्रण के लिए ट्राइसाइक्लोजोल 75% WP प्लस प्लांटोमेसिन का उपयोग कर सकते हैं। इन दवाई की मात्रा प्रति एकड़ 120 ग्राम प्लस 50 ग्राम उपयोग कर सकते हैं। कोई भी कंपनी के ट्राइसाइक्लोजोल दवाई का उपयोग कर सकते हैं और इस दवाई के साथ कीटनाशक दवाई का भी उपयोग कर सकते हैं। इस दवाई के और अच्छे रिजल्ट के लिए इसके साथ चिपको अवश्य मिलाएं। इस दवाई के छिड़काव के हफ्ते दिन बाद नए पत्ते आने शुरू हो जाएंगे। सावधानियां: छिड़काव करते वक्त हवा के विपरीत दिशा में स्प्रेयर करें। दवाई छिड़काव करते वक्त धूम्रपान ना करें। एक एकड़ में कम से कम 10 स्प्रे टंग का इस्तेमाल करें। यह दवाई घुलनशील है। सुझाए गए मात्रा का इस्तेमाल करें। किसी भी चीज की समस्या के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर 70490 80410 में संपर्क कर सकते हैं।